इतनी नर्वस क्यों हो तुम? थोड़ी घबराहट हो रही है। क्यों? शादी होने वाली, तो घबराहट हो रही है कि वहाँ जाके मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। घबराहट किस बात की? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। अरे पागल, इतने दोस्त है तुम्हारे, उन्होंने बताया नहीं क्या होता है? नहीं, थोड़ा तो पता होगा ना, तुम्हारी फ्रेंड वगैरह का भी शादी हुआ है तो उन्होंने नहीं बताया? नहीं, मैंने किसी से कुछ ऐसी बात नहीं हुआ हमारी। घबराना है क्या? जैसे जैसे आपका पति बोले वैसा वैसा करना ना। क्या करना होता है? क्या करना होता है सुहा करते दिन? क्या करते हैं आपको पता नहीं है? नहीं पता है। आएंगे वो, जहाँ तुम्हारा स्वागत होगा तुम्हारे पास आएंगे, बैठेंगे, तुमसे बात बात करेंगे, उन्हें दूध दूध पिलाना ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी आए और तुम्हें खुश कर सके। तुमने भी ऐसा किया था? हाँ ना, तुम्हारे भैया आए थे तो मैंने भी उनको दूध का गिलास दिया था। हाँ, तो मुझे भी वैसा ही करना है। हाँ, और क्या करते हैं? क्या करेंगे, आएंगे वो तुम्हारे साथ बातें करेंगे, अच्छी अच्छी रोमांटिक बात करना उनके साथ में। हाँ, और वो करेंगे ना जो करना है उन्हें। तो मतलब घबराने जैसी कोई बात नहीं है ना? घबराने जैसी क्या बात है, वो तो होता ही है ना, स्वागत के दिन क्या होता है तुम्हें पता नहीं है? वो वैसे थोड़ा बहुत तो सुना है, बट ऐसे है कि कहीं नई जगह जाते हैं तो, और पहली बार ऐसे सुहाग रात, तो फिर सोच में पड़ रही हूँ कि कहीं कुछ मेरे से वो तुम्हारा ऐसे हाथ पकड़ेंगे तो तुम भी उनका हाथ ऐसा पकड़ना। हाँ, तुम्हें छुएंगे, हक करेंगे तो तुम भी उन्हें हक करना, किस करेंगे ठीक है, तुम भी उन्हें सपोर्ट करना ना, वो करेंगे तो। हाँ, करूँगी मैं। वो करेंगे तुम करना, फिर बाद में सब हो ही जाएगा अपने आप से, ठीक है। फिर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। हाँ। फिर तुम्हें ऐसे छुएंगे। हाँ। फिर तुम्हें इधर किस करेंगे। हाँ। यहाँ किस करेंगे। हाँ। किस करते करते नीचे आएंगे। हाँ। फिर तुम्हारे कपड़े खोलेंगे। हाँ। और अच्छे से लेंगे तुम्हारी मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता ना? जैसे नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने सुना है कि मतलब तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत, तो तकलीफ़ तो होगी ना, लोगी तो तकलीफ़ तो होगी, तो मुझे डर लग रहा है कि फिर मतलब कुछ ज़्यादा। डर किस बात का? पहले तो मैं भी डर रही थी, फिर जब जब मेरा स्टार्ट हुआ करने लगे तो उसके बाद मैं भी रोमांटिक हो गई थी ना। हाँ, डरना क्या है, मतलब जो भी होता है सब अच्छे से ही होता है ना? बहुत अच्छे से होता है, धीरे धीरे तुम्हारा मूड बनने लगेगा, जब वो तुम्हें ऐसे छुएंगे ना, छूते छूते ही तुम्हारा मूड बनने लगेगा। हाँ, और क्या होता है? वो तुम्हारे कपड़े उतारेंगे, तुम उनके कपड़े उतारना, जैसे वो तुम्हें छुएंगे तुम उनको छूना। हाँ। किस करना उनको। हाँ। हक करना, सब कुछ होगा आगे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने किया है ना, मुझे पता है। अच्छा, मतलब आपने क्या क्या किया मुझे आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हो क्या? मुझे थोड़ा जब डर मेरा लग रहा है। स्वागत था ना, तो तुम्हारे भैया आए थे रूम में। हाँ? फिर उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बैठे थे, उसके बाद फिर मुझे किस किया, यहाँ किस किया, फिर ऐसे किस किया, मतलब किस करते करते ऐसा मुझे तक किस करने लगे। हाँ, अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लगे? नहीं, डर नहीं लगता है ना, जब रोमांटिक हो जाते मूड बन जाता है तो किस बात का डर लगता है, फिर तो इच्छा होती है ना कि बस ले लें मतलब मैं भी ऐसा है। हाँ, फिर बस लेने की इच्छा होती है, बस टच करने के बाद ऐसा लगता है ना कि ले ही ले अब तो। हाँ। रुका नहीं जाता लग है। रहा है आप अभी फिर से रोमांटिक हो रहे हैं सब याद करके। हाँ ना, तुम्हारे भैया और मुझे तो डेली होता है ना। हाँ, मतलब जब तुम जाओगी ना शादी करके तो तुम भी रोज करोगी। हाँ, रोज तुम्हारा लेने का मतलब इच्छा होगा। अभी मैं भी वैसे ही सब करना है मुझे, वैसे ही सब कुछ करना है। अच्छा, तो
चढ़ जाना ना उनके ऊपर जाके। मैं कैसे, मतलब स्टार्टिंग में मैं ही सीधा। हाँ और क्या, पकड़ के ऐसा पकड़ना उनको, ऐसा पकड़ के किस कर देना। पकड़ोगी ना तो उनका मूड वैसे भी बन जाएगा, छूने से ही मूड बन जाएगा ना, तुम्हारा भी बनेगा और उनका भी बनेगा। जितना तुम्हें सुनने में मजा आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें करने में मजा आने वाला है। तो सुन के आनंद आ रहा है कि नहीं? सुन के तो सोचो करके कितना आनंद आने वाला है। हाँ वैसे सुन के तो आनंद आ रहा है, देखते हैं अभी करके। कोई नहीं, करके तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अब तो डर गया है ना? हाँ अभी चलो तुम घर चलते हैं। ठीक है।